तुम मुझे कह रहे हो जाने के लिए? तुम्हारे बाबा मानसी की शादी करवा रहे हैं बिना उसकी मर्जी के, और तुम? अंकिता, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी फैमिली की चिंता है मुझे। तुमने अपनी फैमिली को संभालने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, लेकिन मैं मानसी के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं संभालूंगा उसे। शशांक, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्या समझूं मैं? क्यों समझूं? तुम्हारी फैमिली मेरी अपनी है, मैं उसे अपना मानता हूं, और तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी आकर खिलवाड़ करे मुझे पसंद नहीं। वाओ, ये चैप्टर तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब ब्रो और अंकिता की लव स्टोरी में शशांक का तड़का, और भाई का मजा। नहीं तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक, तुम्हारी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलो, तुमने, हम कहीं बाहर जा रही हैं क्या? मैं भी तैयार हो जाऊं। ओके, मैं भी कर। सर, आपने, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सर, शशांक से मिलने। क्यों? सर, मैं शशांक से मानसी और उसकी शादी की बात करने जा रही हूँ। मानसी की शादी शशांक से, लेकिन क्यों? सर, क्योंकि मानसी शशांक से प्यार करती है। मानसी शशांक से प्यार करती है? वाओ, ठीक है, तुम उसे बात करो, मैं अपना थोड़ा सा काम खत्म करके तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। ओके, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? सर, ओरिएंटल कॉफी शॉप। ओरिएंटल कॉफी शॉप डाउनटाउन। ठीक है, मैं काम खत्म करके तुम्हें मिलता हूँ। ओके, और मेरे लिए कॉफी भी ऑर्डर कर दे रहा हूँ, ब्लैक कॉफी, लिटिल शुगर। मैं बस ये खत्म करके आता हूँ। ओके सर, जल्दी आएगा। ये देखिए, तो आपकी बहू क्या कर रही है यहाँ पर? शाम को 5 बजे चोरी छुपे एक पराये मर्द से मिलने आई है, और ये जो लड़का इसके साथ बैठा है ना, ये कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। यस, द सेम गाय जिसने ब्रो की शादी रोकने की कोशिश की थी, और इनका अफेयर काफी टाइम से चल रहा है, मुझे आज पता चला। और इस बारे में जब मैंने खुल के बात करने की कोशिश की, तो अंकिता ने मुझ पर उस लड़की को छेड़ने का इल्जाम, यू नो व्हाट हैपेंड टुडे, राइट? आपने भी उसका विश्वास किया, मुझे डांटा। आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी, तो इसीलिए मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब सबूत और गुनहगार दोनों आपके सामने, योर कॉल, आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना। और कुछ सुनना चाहते हैं आप दोनों? बिना सोचे समझे अपने बेटे की शादी इस तरह एक छोटी सोच वाली लड़की के साथ करने का यही नतीजा होता है। भुगतो, भोगा कर्मांची फल। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। शशांक, मुझे तो तुमसे किसी रूम में मिलना चाहिए था, ताकि हमें कोई देख नहीं पाए, है ना? आपको जो सोचना है मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, आप बिल्कुल सोच सकती हैं, क्योंकि किसी की गंदी सोच मैं नहीं बदल सकती। लेकिन अगर आपको अच्छाई देखनी है, सच्चाई जाननी, तो उसके लिए आपको अपना दिमाग ठीक करना पड़ेगा, अपने दिमाग की गंदगी हटानी पड़ेगी। आप विदेश में रहकर आइए ना, आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन आई एम सॉरी टू से, आप ना ही समझदार है और ना ही प्रोग्रेसिव। आप सिर्फ रुतबे में बड़ी, आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी सोच एकदम छोटी है। आपकी नजर में आज भी एक लड़का और लड़की अगर साथ में है तो उनका चक्कर चल रहा है। किसी लड़का और लड़की के बीच कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। क्या आप दोस्त नहीं हो सकते? दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और मैं और शशांक सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। ये मेरा फैमिली मैटर है और मैं इसे हैंडल कर सकती हूं। तुम यहां क्यों खड़े हो? इधर आओ, बोलो, करोगे शादी? देखो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तू बहुत अच्छी लड़की, वो तुमसे प्यार भी करती है, और जहां प्यार होता है वहां शादी होनी चाहिए। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नरेन, एक मिनट, मुझे पता है कि मानसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, उसके चेहरे पे खुशी देखेंगे ना, हम भी साथ चलते हैं। ओके, चलो आ, चलो चलो चलो, अब तुम बैक। ओके, बाय। I'm